बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अदोबो। आइए देखते हैं ये मज़ेदार से चिकन अदोबो कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। बड़ा ही सिंपल बनेगा, बड़ा ही टेस्टी बनेगा, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन अदोबो बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट कर लेते हैं। लहसुन चाहिए 2-1.5 जवे ले लें, 1 छोटी प्याज, 2 से 3 टेबलस्पून सिरके के, 2.5 टेबलस्पून सोया सॉस के। अगर आपके पास ब्लैक पेपर नहीं है तो आप लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, और 1/2 टीस्पून नमक, 250 ग्राम से ज़्यादा मेरे पास ये चिकन है, ये इसमें जाएगा। इसकी ये रेसिपी आप बढ़ाना चाह रहे हैं चिकन को तो ऐसी रेसिपी बढ़ा लें। पैन को चढ़ा देते हैं चूल्हे पे। ऑलिव ऑयल शामिल करेंगे थोड़ा सा, बस। इस रेसिपी में ऑयल ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता है, आप वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन को कर लेंगे मैरिनेट, 3 टेबलस्पून सिरका, 2.5 टेबलस्पून सोया सॉस और थोड़ा सा सॉल्ट अभी डाल देंगे, तो थोड़ा सा लहसुन अभी डाल देंगे। इसे 5 या 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, और उतनी देर हम प्याज काटते हैं। ऑयल हमारा गर्म होता है तो आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। प्याज काट लेंगे, अगर आप ये चीज़ डालना चाहते हैं तो डाल लें वरना रहने दें। हमारा कट गया, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। पैन में बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और टेस्ट भी ज़्यादा आएगा। ऑयल गर्म हो गया, अब ये जो हमने चिकन मैरिनेट किया था ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर प्लेस कर देंगे। और अच्छा सा कलर आने तक इन्हें ऐसे ही रहने देंगे, पलटना नहीं है। चेक करते रहना है ताकि जले ना और कलर भी आ जाए। Thank you.
ये जो सॉस है, जो मैरिनेशन है, ये भी शामिल होगी। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे शामिल होगी। अभी बस हमने चिकन को एक तरफ से हल्का सा कलर देना है और फिर इसे पलटाएंगे। ये बड़ा ही ज़बरदस्त कलर आया है, ये देखें। चिकन को पलटा देंगे, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कलर आया। आहिस्ता कर देंगे, और ऊपर से 2 से 1.5 मिनट के लिए डाल देंगे। 1.5 मिनट हो गया, चिकन हो गया। लहसुन थोड़ा सा, लाल मिर्च थोड़ी सी, 1/2 टेबल टीस्पून, सॉल्ट 1 पिंच, पानी शामिल कर देंगे। और ये जो सॉस हमारे मैरिनेशन थी, ये भी इसके अंदर ही शामिल करेंगे। हल्का सा हिला देंगे एक बार। जो हमने प्याज काटे थे ये शामिल कर देंगे। और इसे ढक देंगे, और इसे ढक के पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आग पे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। 5 मिनट बाद थोड़ा सा पुदीना सूखा हुआ ये शामिल करेंगे। तो थोड़ा सा थोड़ी सी सौंफ, जरा खुशबू के लिए। और 1 टेबलस्पून चिली सॉस, ये सिर्फ टेस्ट के लिए हम शामिल कर रहे हैं। हिला लेंगे,
दोबारा ढक देंगे। स्टेज पे जब पानी खुश्क हो जाए थोड़ा सा तो ये 10 से 12 काली मिर्चें हैं ये शामिल कर देंगे। चिकन में थोड़ी सी कसर है अभी, ये पका नहीं है अभी, इसे ऐसे ही कर देंगे और पकने देंगे। पानी खुश्क हो गया है, थोड़ी सी आग तेज करेंगे। ये बकाया मसाला ये भी हल्का सा खुश्क कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं चिकन को कर लेंगे। चिकन अदोबो हमारा रेडी हो गया, अब हम डिश आउट करते हैं, फ्लेम कर देंगे। और गार्निश के लिए ऊपर से हम सेसमी सीड्स स्प्रिंकल करेंगे, हल्के से तेल ऊपर से ऐसे लगाएंगे, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और थोड़ी सी चिली सॉस ऐसे ऊपर, ले जी मज़ेदार सा चिकन अदोबो रेडी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसा बना है। हाँ जी अब जी, और मज़ा ही आ गया मुस्लिम पुत्र चिकन का।